गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। इन आवर टुडेस लेक्चर वी आर स्टडी अबाउट यूनरी सिस्टम एंड योर पेज नंबर इज 16। हमारे आज के टॉपिक में हम यूनरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे और इसकी वर्किंग के स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनरी सिस्टम होता क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है लिक्विड फॉर्म में। हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, ये उसको रिमूव करता है, बट ये लिक्विड फॉर्म में से रिमूव करता है। आपने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था, लास्ट लेक्चर में, कि हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारी वेस्ट को मटेरियल को हमारी बॉडी से फ्लश आउट करती है। लेकिन ये जो सिस्टम है, इसमें हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट जाता है वो लिक्विड फॉर्म में जाता है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, कि इस चीज़ को श्योर करता है कि जो हमारा राइट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर इतना वाटर प्रेजेंट हो जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, कि इस चीज़ को भी श्योर करता है। उसके अलावा ये रिमूव करता है वेस्ट को इन लिक्विड फॉर्म, एंड रिमूव द वेस्ट मटीरियल इन द लिक्विड फॉर्म, कि हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटीरियल है उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर से निकाल देता है। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। हमारे यूरिनरी सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है किडनी, फिर आता है यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारी किडनी, उसके बाद आता है यूरेटर और फिर आता है ब्लेडर। ब्लेडर के नीचे आता है यूरेथ्रा, जिससे हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। योर बॉडी हैज़ 2 किडनीज। हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अब ये जो किडनी है, ये फिल्टर के तौर पे काम करती है। इट्स मीन कि हमारी बॉडी का जो लिक्विड है उसको फिल्टर करती है, उसमें से वो चीज़ें जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उसको निकालती है। एज द ब्लड ट्रैवल अराउंड योर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रैवल करता है, एज हम सब जानते हैं। इट पिक अप द टॉक्सिन। ये जो किडनी है, ये उस ब्लड के अंदर से टॉक्सिन होता है, जो जहरीली चीज़ जिससे हमारी बॉडी को ख़तरा हो सकता है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। हमारे ब्लड जो है वो तो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, ये उस ब्लड में से पिकअप करती है टॉक्सिन को और बैड चीज़ों को जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो टॉक्सिन होता है ये उसे हमारी बॉडी से निकाल देती है। अगर ये ऐसा ना करे तो हम बीमार हो जाएं, यू वुड विल बिकम वेरी इल, हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसकी फंक्शन क्या है, इसका जॉब ये है, जो किडनी है ये रिमूव करता है टॉक्सिन को रिमूव करता है हमारे ब्लड में से, और ब्लड को पास करता है आगे पूरी बॉडी में। अब जो टॉक्सिन चीज़ों को ये फिल्टर करता है, द टॉक्सिन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट टर्न इनटू यूरिन, जो इसने बॉडी के अंदर से फिल्टर किया होता है टॉक्सिन को, अदर वेस्ट मटेरियल को जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, ये उसको यूरिन में टर्न कर देता है। उस लिक्विड को लेता है, उसको टर्न करता है यूरिन में और फिर इसको भेज देता है यूरेथ्रा में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, किडनी के बाद नीचे यूरेटर आता है। हमारी किडनी फिल्टर करती है टॉक्सिन को और वेस्ट मटेरियल को और उसको बाद में यूरेटर की तरफ भेज देती है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। योर बॉडी हैज़ 2 यूरेटर। हमारी बॉडी में 2 यूरेटर होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। दे आर ट्यूब दैट ट्रांसफर द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लेडर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो यूरेटर है ये ट्यूब की फॉर्म में होती है। किडनी से सारा वेस्ट मटीरियल ब्लेडर में आता है, यूरेटर के जो ब्लेडर प्रेजेंट है, यूरिन जितना भी है किडनी से होता हुआ यूरेटर में जाता है। और यूरेटर एक रास्ता है, एक ऐसी ट्यूब है जो ब्लेडर के साथ अटैच है और सारा वेस्ट मटीरियल इसमें लेके आती है, हमारे यूरिन को ब्लेडर में लेकर आती है। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं। योर ब्लेडर स्टोर योर यूरिन। हमारा जो ब्लेडर होता है ये हमारे यूरिन को स्टोर करता है, टिल यू नीड टू गो टू टॉयलेट, फिर हमें बाद में टॉयलेट जाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी किडनी आती है, किडनी जो है वो फिल्टर करती है टॉक्सिन और वेस्ट मटीरियल को। उसके बाद आता है हमारा यूरेटर। यूरेटर एक रास्ता है, एक ट्यूब है जो सारा यूरिन जो है वो ब्लेडर तक लेके आती है। उसके बाद एक ब्लेडर है, ये ऐसा एक ब्लेडर जो है इसमें हमारा यूरिन आता है, ये यूरिन को स्टोर करती है कुछ टाइम के लिए और उसके बाद यूरेथ्रा से हमारा यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है। ये था आज आपका लेक्चर।
यूरिनरी सिस्टम, इसमें अगर हमें कोई भी मसला होगा हम इसके नेक्स्ट स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।